मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मैक्रोनी बनाऊंगी मैं, और पूछ लेती हूँ मिक्स करके बनानी है। ये है पास्ता, ये पास्ता होता है और ये होती है मैक्रोनी। देखती हूँ बच्चों से क्या खाना है, मैक्रोनी खाने के पास्ता खाना है। तो फाइनली बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उनको पास्ता ही खाना है, मैक्रोनी नहीं खानी। और यहाँ बन रहा है पास्ता। यहाँ मैंने प्याज रफली काट लिया, थोड़ा सा लहसुन, और ये है पत्ता गोभी, और मैंने ये फ्रीजर में से हरे मटर निकाले हैं और ये बनाएंगे। इसके साथ ही ये भी मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है, और जब तक के लिए हमारी पास्ता बनता है तो हम इसको तड़का लगा लेंगे, मतलब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। और हाँ, थोड़े से ही मटर निकले हैं इसमें से, इनको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर, ये भी बॉईल हो जाए। और ये ना देखिए, ये एकदम जमे पड़े हैं, बर्फ़ हुई पड़ी है इनकी, बर्फ़। ये देखिए निकले ही नहीं, मैंने ना जुगाड़ किया सिलाई में, ऐसे ऐसे करके ना तोड़ा इनको तब निकाले। तो यहाँ मैंने प्याज डाल लिया है, थोड़ा ये भून जाएगा, फिर मैंने जो वो काट के रखा ना वो भी डाल देना है। तो ये है घी का पैकेट, मैंने अभी कभी घी डाला डिब्बे में देसी, तो जो मैंने कंजक पे लाया था ना वो मैंने जोत के लिए रख लिया, और उसका मैंने हलवा बना लिया था। फिर मेरे पास घी ख़त्म था पराठे बनाने के लिए, जो हम घर पे बनाते हैं ना घी, वो खाने के लिए रख लेते हैं मेरे हस्बैंड और बच्चे, उनको दे देती हूँ मैं। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन ही करना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना। तो ये है नमक, मिर्च, हल्दी, वैसे हल्दी हम स्किप भी कर सकते हैं। वहाँ मैंने मटर रखे हैं बॉईल करने के लिए, और यहाँ हम डाल देते हैं पत्ता गोभी। अब हम डाल देते हैं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी ऐड कर दी है, बना देने अब। तो मैं हूँ गैस से थोड़ा बैठना, बच्चे ना पंजाबी जी की कहने, बच्चे काले हो गए हैं, बच्चे ना भूख लग गई है, बच्चे काले हो गए हैं। तो हम डाल देंगे इसमें सिरका, और हम डाल देंगे सोया, टमाटो सॉस हम बाद में डालेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, टमाटो सॉस। मटर तो हमारे बॉईल ही हैं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऐसे ही पक जाएंगे इसमें। तो फाइनली हम मटर डाल देते हैं, मटर निकले ही थोड़े से हैं, है तो आधा किलो का पैकेट है, लेकिन इतने मुश्किल से नहीं निकाले मैंने, ये भी हालत ख़राब कर दी मटरों ने मेरी। अब हमारे ये बन चुके हैं, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें इनको डालना है उसमें। तो हम डाल देते हैं इनको, अगर वैसे तो पानी नहीं जाएगा, पर अगर थोड़ा बहुत चला भी जाए तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है। मम्मी और मोनू आए हैं बाहर, अभी अभी आए हैं, पास्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो आप बताइए आपको मेरी पास्ता रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना,